हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है ताकि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और बड़ों के जीवन में बेहतर सुधार के कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्हें इस गंभीर समस्या के साथ जीवन बिताने में मदद भी दी जाती है। ऑटिज्म एक ऐसा मानसिक रोग जिससे न सिर्फ बच्चों के दिमाग के विकास में बड़ी दिक्कत आती है बल्कि शारीरिक विकास भी इससे बहुत प्रभावित होता है। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति बाहरी दुनिया से अनजान अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी इंसान के विकास संबंधी समस्याओं में ऑटिज्म तीसरे नंबर पर है। ऑटिज्म के दौरान व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं, यहां तक कि वो मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। 2010 तक दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑटिज्म के रोगियों की तादाद डायबिटीज, कैंसर और एड्स के रोगियों की संख्या मिलाकर भी इससे कहीं ज्यादा बताई गई है। बच्चों में ऑटिज्म को काफी आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी कभी वो किसी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करते, बात करते हुए हाथों का इस्तेमाल नहीं करते या उंगलियों से कोई इशारा भी नहीं करते, रोजाना एक जैसे काम या एक जैसे खेल ही पसंद करते हैं। बच्चों का बहुत बेचैन होना, कभी कभी बेहद शांत तो कभी बहुत सक्रिय होना ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ऑटिज्म होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे जन्म से पहले या बाद में जरूरी टीके ना लगवाना, प्रेगनेंसी के दौरान कोई गंभीर बीमारी का होना, बच्चों का समय से पहले जन्म या उसका गर्भ में सही विकास न होना। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को मनाने का उद्देश्य यही है कि इससे पीड़ित लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए और सही उपचार और मार्गदर्शन किया जाए। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।